जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा वर्ष 2023 में माघ पूर्णिमा कब है, तो जानेंगे माघ पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में और माघ पूर्णिमा माघी पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा, किस दिन व्रत को रखा जाएगा और किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा। तो आज जानेंगे इन सबों के बारे में, पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को माघ पूर्णिमा माघी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। माता महालक्ष्मी अपना कृपा बनाए रखें। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माघ पूर्णिमा तिथि के दिन कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का वास, जो कि गंगा जल में, इस दिन भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इसलिए माघ पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके गंगा स्नान का, प्रयाग आदि में स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ माह में गंगा संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा तिथि का दिन, जो कि यह बड़ा ही पुण्य फलदायी और विशेष माना जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। और खास करके माघ पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी माघ के महीने में स्नान नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें माघ पूर्णिमा से 3 दिन पूर्व तक अवश्य ही गंगा स्नान करना चाहिए। इससे माघ स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है और माघ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन वैसे इस दिन जो कि व्रत को रखते हुए चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए, उसके बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। और इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करनी चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है, तो इस दिन व्रत को धारण करते हुए भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान सत्यनारायण, माता लक्ष्मी आदि का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रमा जो कि मन के कारक माने जाते हैं और पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो चंद्र देवता अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो इस दिन व्रत को धारण करते हुए चंद्र देवता को कच्चे दूध का या दूध में शहद मिला करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें, फिर अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि का व्रत किस दिन रखा जाएगा और किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 9:31 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को रात्रि 11:59 पे। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है पूर्णिमा तिथि व्रत के लिए, वह समय 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो रविवार के दिन 5 फरवरी को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा और इस दिन ही स्नान दान का कार्य किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा और पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 5 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है, वह समय सुबह 6:39 और सूर्यास्त शाम 5:44
और चंद्रोदय का जो समय होगा वह समय शाम 5:23 और चंद्रास्त सुबह 6:31। तो चंद्रमा उदित होंगे शाम 5:23 पे, तो आप इसके बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें और फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन योग जो कि आयुष्मान योग होगा दोपहर 2:39 तक, उसके बाद सौभाग्य योग। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र दोपहर 12:13 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। और पूर्णिमा तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा, राहु काल समय यह होता है जो राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या मांगलिक कार्यों को या पूजन आदि के कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। राहु काल समय छोड़ करके ही इन कार्यों को करना चाहिए। आप राहु काल से पहले या राहु काल के बाद ही भगवान का पूजन करें या किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करें तो लाभकारी होगा। तो राहु काल का जो समय है पूर्णिमा तिथि के दिन, वह समय शाम 4:21 से शाम 5:44 तक राहु काल का समय होगा। तो इस दौरान पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी ना करें। माघ पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान सत्य नारायण का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और माघी पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि इस दिन स्नान दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, इस दिन तिल आदि का दान करना चाहिए, कंबल आदि का दान करना चाहिए, जो भी सर्दी के मौसम में या आपसे जो भी बन सके अन्न वस्त्र गौ स्वर्ण आदि जो भी आपसे बन सके इन चीजों का अवश्य ही दान करना चाहिए। और पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो कि खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाए और माता लक्ष्मी का पूजन करे। पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जो कि तीर्थों में नदियों में जाकर के दीप आदि का दान करें, मंदिरों में दीप आदि का दान करें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो इसी प्रकार से जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखने वाले हैं वो सभी 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखेंगे और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें और चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।